सो गाइस मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पास पोरिश तो गाइस थाईलैंड से रिगार्डिंग एक नई न्यूज आई है तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको वीडियो में एंड तक टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में उम्मीद है आप जहां भी होंगे जैसे भी होंगे सेफ होंगे तो गाइस आज का जो वीडियो, वीडियो है एक आर्टिकल बेस्ड वीडियो है एक आर्टिकल है एक न्यूज है थाईलैंड के रिगार्डिंग जो थाईलैंड का टूरिज्म सेक्टर है टूरिज्म कंपनीज़ हैं होटल्स कह लीजिए टूर ऑपरेटर्स कह लीजिए जो भी वहाँ की बड़ी बड़ी टूरिज्म कंपनीज़ हैं उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है थाईलैंड गवर्नमेंट के आगे कि एक जुलाई 2021 सही डेट रहेगी थाईलैंड को ऑफिशियली अपने बॉर्डर ओपन करने के लिए तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि क्या थाईलैंड सच में ओपन हो जाएगा एक जुलाई 2021 से तो गाइस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है तो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि पूरा सीन क्या है गाइस जैसे कि आपको भी बताइए ये बात मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि 2020 में कोविड ने कितना नुकसान किया है सभी कंट्रीज़ को लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो कंट्रीज़ हुई हैं जिनका होल एंड सोल जो इकोनॉमी था वो टूरिज़्म सेक्टर से आता था लाइक like थाईलैंड तो वैस थाईलैंड जो है नाइन्टी बिलियन यू डॉलर कमाता था टूरिज़्म सेक्टर से एवरी ईयर ये एक आंकड़ा है जो थाई गवर्नमेंट ने दिया है तो ऐसा ये जो आंकड़ा था ये 2020 में चला गया 6.7 मिलियन तक मतलब इतना डाउनफॉल इसलिए आया क्योंकि मार्च के बाद तो सभी कंट्रीज में लॉकडाउन लग गया था तो ऐसा ये सारा नुकसान थाईलैंड का अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई क्योंकि टूरिज्म वहाँ अभी तक अच्छे से ओपन हुआ ही नहीं और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन हुए जो लोग वहाँ टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंट थे लाइक होटल्स रेस्टोरेंट्स टूर ऑपरेटर्स कोई भी आपके लिए जिसका टूरिज्म से लिंक है उन सबकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है तो कैसे वही सारा आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उन्हीं लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है थाई गवर्नमेंट के सामने कि ओपन थाईलैंड सेफली कि थाईलैंड को हम सेफली ओपन करते हैं एक जुलाई दो से तो ऐसे आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया तो इस आर्टिकल में मेन इन्फॉर्मेशन हमें ये देखने को मिली वहाँ की टूरिज्म कंपनियाँ कहती हैं कि जो वैक्सीन है ये एक गेम चेंजर है अगर हम थाईलैंड को ओपन करते हैं तो ये गेम चेंजर साबित होंगे क्योंकि गाइस जो भी बंदा आएगा वो वैक्सीन लेकर ही आ पाएगा ये एक ज़रूरी चीज़ कर दी उन्होंने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इसी के साथ गाइज इसी फॉर्मेट में उन्होंने थाई गवर्नमेंट से ये अपील की है कि आप थाईलैंड को एक जुलाई से ओपन कीजिएगा इसके इन्होंने पांच मेन रीजन भी दिए हैं कि एक जुलाई से ही क्यों ओपन करें और मई या जून या फिर अगस्त या फिर और कोई मंथ क्यों नहीं लाइक वन जुलाई से क्यों ही ओपन करें इसको तो उसके फाइव रीजन इन्होंने दिए हैं तो वो भी बताता हूँ मैं आपको उन रीजन में क्या क्या ये बताते हैं तो वैसे नंबर वन रीजन देते हैं कि एक जुलाई दो तक वैसे वैक्सीन तो पूरी दुनिया में आ ही गई है एक जुलाई तक काफी सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो जो भी बंदा एंटर करेगा वो एटलीस्ट कोविड का कोई भी नया स्ट्रेन लेके नहीं आएगा तो फर्स्ट रीजन तो ये कह रहे हैं गई सेकेंड रीज़न ये बता रहे हैं गिव्स टाइम टू मेडिकल अथॉरिटीज़ ऑफ थाईलैंड मतलब मेडिकल अथॉरिटीज़ जो है थाईलैंड की उनको भी टाइम मिल जाएगा ताकि वो जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं लाइक जो होटल में होटल स्टाफ हो गया हॉस्पिटेबल हॉस्पिटैलिटी से रिगार्डिंग जो भी स्टाफ है उनको वो वैक्सीनेट कर पाएँ तो उनको भी ये चीज़ टाइम मिल जाएगा कई तीसरे नंबर पे कहते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी टाइम मिल जाएगा अपना टूर प्लान बनाने के लिए कि उनको थाईलैंड में कहाँ का ट्रैवल करना है टिकट बुक करने के लिए गई फोर्थ रीज़न बता रहे हैं कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं जो एयरलाइंस हैं जो होटल्स हैं उनको भी टाइम मिल जाएगा कि अब किस तरीके से उनको लोगों को वेलकम करना है अभी दो से तीन महीने हैं जुलाई के अंदर ज़्यादा ही होंगे बल्कि तो उनको किस तरह से टूरिस्ट को टूरिस्ट को वेलकम करना है उनको ये प्लान बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा और अगर ने बता रहे हैं कि थाईलैंड को अभी भी पुरानी जो टूरिस्ट की संख्या थी उसको उसका बराबर तक पहुंचने के लिए एक साल लगेगा मतलब जो टूरिस्ट जितने टूरिस्ट पहले आते थे उतने टूरिस्ट अभी एक एक बार में तो आएंगे नहीं तो उसको पुराने वाले लेवल पे पहुंचने के लिए ही एक साल लग जाएगा तो वैसे ये कुछ रीजंस दिए हैं वहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं वहाँ की जो टूरिज्म कंपनीज हैं ताकि ये चीज़ ओपन हो ताकि थाईलैंड ओपन हो अब गई यहाँ वो ये भी बताते हैं कि कुछ नए रूल्स भी यहाँ लग सकते हैं अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं आर टी पीसीआर टेस्ट तो हर जगह मैंडेटरी है ही बेहतर घंटे वाला लेकिन यहाँ एक और नया रूल लग सकता है एक और नई रेगुलेशन लग सकती है जो की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो है वो अलाउ कर रही है मैंडेटरी कर रही है उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी लाइक हम बात करें डेनमार्क की बात करें आइसलैंड की बात करें काफी सारी कंट्रीज ने इसको लागू कर दिया है तो आर टी पी सी आर के साथ अब यहाँ जो सेकंड चीज होने वाली है वो होने वाली वो होने वाली है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और गई इसके अलावा आपको वहां का एक हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज भी परचेज करना पड़ेगा जब आप करके जाएंगे थाईलैंड में था तो कुछ दो से तीन नई चीजें यहां ऐड होने वाली हैं अगर आप थाईलैंड फ्लाई कर रहे हैं और उम्मीद है ये ये जो 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 इनकी इनकी एक एक पुकार है है या इन्होंने जो प्रस्ताव रखा थाईलैंड की टूर कंपनीज ने वो अगर कंफर्म हो जाए अप्रूव हो जाता है तो हम एक जुलाई दो से थाईलैंड में एंटर कर सकेंगे बिना किसी क्वारंटाइन के अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं है और अगर क्वारंटाइन रहेगा भी तो भी दो से तीन दिन का रहेगा चौदह दिन का है अभी तो उतना नहीं रहेगा दो से तीन दिन का ही रहेगा अगर रहेगा भी तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है सिर्फ एक छोटी सी इफॉर्मेशन दी एक छोटा सा सिनारियों था मैंने सोचा आपके सामने ये शेयर करूँगा तो बस ये था छोटा सा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी जाएंगे थाईलैंड अगर एक जुलाई से खुल जाएगा तो अगर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें तो मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन हम मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय